माय फर्स्ट एवर गेमिंग पीसी जिसमें आप 4K वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, लेकिन हमारा काम तो एडिटिंग का है ना, तो इसमें एडिटिंग बहुत ही इजी से हो जाती है और वो भी सारा कुछ 1.5 लाख के बजट के अंदर। 1.5 लाख के बजट में क्या क्या लगवाया है मैंने, आज बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, मुझे पीसी के रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इंटेल की तरफ जाता या फिर AMD की तरफ। तो देखा मैंने AMD लोग ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि इसमें ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड्स हैं जो कि आपको एडिटिंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने चूज़ किया इसमें AMD का राइजन 5 3600। तो आप इससे कम में जाना चाहते हो तो राइजन 5 2600 में भी जा सकते हो, लेकिन मैंने राइजन 5 3600 प्राइस इसकी मैं मेंशन करता चलूंगा ये नीचे। मेरे लिहाज से इसकी प्राइस 30 से 32 हज़ार के अराउंड है। आई थिंक सिर्फ प्रोसेसर की और जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं सारी ब्रांड न्यू, 1 साल वारंटी के साथ में आती, लेकिन एक ग्राफिक कार्ड है जो कि हमने यूज़ परचेज किया। ग्राफिक कार्ड पर जाने से पहले आपको बता दूँ, इसमें मैंने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है ना वो भी ब्रांड न्यू है। तकरीबन सारे पार्ट्स इसमें ब्रांड न्यू, 1 साल की वारंटी के साथ में आते हैं। ये है गीगाबाइट का B450M। जब मैंने इस मदरबोर्ड को लिया ना, इसमें वाईफाई आपको देखने को नहीं मिलता, वो लहदा से आपको मॉडेम लगानी पड़ेगी, ना ही इसमें ब्लूटूथ देखने को मिलता है। 2 RAM स्लॉट्स आपको देखने को मिलती है, मैंने एक ही रैम लगाई हुई, सिंगल रैम 16 GB की लेक्जर की रैम है ये, और साथ में लेक्जर की मैंने NVMe भी लगाई हुई जो कि 256 GB की है। सारों की प्राइस मैं नीचे मैंशन करता चलूँगा। लेक्जर की जो रैम है ना, इसकी प्राइस आई थिंक 11,000 के 12,000 का मिला है मुझे, एक्चुअली यहाँ पे मैंशन कर दूंगा। NVMe भी 7,000 की, इतने की 7,500 की इतने की देखने को मिली 256 GB की। और इसमें जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है ना, उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने जो यूज़ किया है ना पावर सप्लाई, ये रेड ड्रैगन की आती है, 500 वॉट की है, 18+ ब्रॉजोन के साथ में, ये भी 1 ईयर वारंटी के साथ में ब्रांड न्यू है। ये भी 8-9 हज़ार की आई थिंक पावर सप्लाई मुझे मिली है, और ये सारी प्राइजेज मैं नीचे यहाँ पर एक्स्ट्रा मेंशन कर दूंगा ताकि आपको सही से नॉलेज हो पाए कि एक्चुअल में प्राइजेज क्या है। और लास्ट में बचता है हमारा ये ग्राफिक कार्ड, इसमें हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है, असूस की तरफ से आता है, OC एडिशन है ये, 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, 1660 Ti, काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, तो मैंने इसको चूज़ किया। ये वाला ग्राफिक कार्ड 6 GB का है, लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। ये वाला ग्राफिक कार्ड खाली ये यूज ग्राफिक कार्ड है, मुझे 45,000 का मिला है, बॉक्स वगैरह साथ है, तो देख लेना आपको अगर बॉक्स के साथ मिलता है तो इतने का ही मिलेगा। मैंने यार ये सस्ते में भी थोड़ा सा मिल रहा था, लेकिन मैंने उस चीज़ को प्रेफर किया। मैं अपनी लाइफ में वही चीज़ प्रेफर करता हूँ, जो मुझे थोड़ी सी महंगी मिल रही हो लेकिन अच्छी मिल जाए वो काफ़ी बेटर मुझे देखने को मिलती है। मैं सस्ती लेके 2-4 दिन बाद दोबारा से उसको रिप्लेस करने से बेटर है 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के एक बेटर चीज़ ले लूँ। लास्ट में आता है ये गेमिंग केस, तो मैंने सिंपल सा गेमिंग केस लगवाया जो कि 7-8 हज़ार का गेमिंग केस है। इससे ऊपर जाना चाहते हो तो आपको 7,000 के ऊपर भी गेमिंग केस देखने को मिलते हैं। सिंपल सा केस है ये, सामने RGB बत्तियां देखने को मिलती है, यहाँ पर एक RGB फैन लगवाया हुआ है, इसमें और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऊपर फैन भी लग सकते हैं। तो ये वाला केस ही हमें लगवाया और कुछ ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं किया। अभी हमारी एक LCD रहती, वो बहुत जल्द हमें आ जाएगी, तो वो भी आपको दिखा दूंगा, पूरा सेटअप टूर भी दूंगा कि हमारा सेटअप कैसा है, ये क्या लाइटिंग है सब कुछ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चैनल पे आने वाला है। और ये सारा कुछ कैलकुलेट किया जाए ना, तो ये सारा मुझे PC 1,30,000 का, ये खाली PC पड़ा है, LCD वो सारा कुछ, कीबोर्ड माउस वो सारा कुछ चला था, 1,30,000 के अराउंड ये बनता है। और इसमें मैंने 1 TB की हार्ड ड्राइव भी लगवाई, वो आपको बताना भूल गया, 256 GB के NVMe है, जिसमें सारा सॉफ्टवेयर विंडो और जो मेरे वीडियो एडिटिंग का डाटा है वो सारा रख के एडिट करता हूँ, और 1 TB की हार्ड वो और चीज़ों के लिए जो कि डाटा सेव करना हो तो वो सारा कुछ कर सकते हो। तो ये सारा जो PC है ना, आप भी एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग भी कर सकते हो। 1,30,000 के बजट में आपको ये बेस्ट बिल्ड मेरे हिसाब से, मुझे जो मेरी चीज़ है ना, मुझे तो बेस्ट ही लगेगी ना। अगर आपको इससे भी बेस्ट कोई बिल्ड देखने को मिलती तो आप डेफिनेटली जाके मार्केट से परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।